बिहार में बाहर बा सबको नमस्कार बा। अब ये मत कहिएगा कि हम एक हाथ से नमस्कार काहे कर रहे हैं, दूसरे हाथ से हमने अपना टुनटुना पकड़ा है, फोन पकड़ा है। आप भी कैसी बात सोचते हैं हम राम बिहारी सब पे? हाँ, कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आज हम जा रहे हैं ललवा पिलवा को कंप्यूटर दिलवाने के लिए, गेमिंग के लिए। अब राम बिहारी कंप्यूटर खरीदने जाएंगे तो मजा तो तनिक आएगा ही आएगा ना, आखिरी तक वीडियो को देखिएगा, मजा आ जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए खरीदने चलते हैं कंप्यूटर। दोस्तों हमने मास्क लगा लिया है लेकिन हमको इस बाजार के बारे में कछु नहीं पता है, हमें नहीं पता कि यहाँ पर क्या होने वाला है। आपको हमारे होंठ चलते हुए नहीं दिख रहे होंगे लेकिन हम बोल रहे हैं। ट्रैफिक जो है बहुत ज्यादा है दोस्तों, ये देखिए, ये कोई सलीमा है, यहाँ पर फिल्में आती हैं दोस्तों, बहुत बड़ा सलीमा है। ये क्या लिखा है, ससुर का नाती, ये सत्यम का नाम से दोस्तों ये कोई सलीमा मालूम दे रहा है, काफी बड़ा सलीमा है। इतना बड़ा सलीमा तो हमारे शहर में कहीं है ही नहीं। अब हम आपको दिखाते हैं मार्केट दिखती कैसी है दोस्तों। बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत ही बड़ी मार्केट है। दोस्तों छोटी सी जगह से इतनी बड़ी जगह में आना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही बड़ा बाजार है। देखिए हर तरफ कंप्यूटर की दुकानें हैं, हमें तो समझ में भी नहीं आ रहा है दोस्तों कि हमें जाना कहाँ है कहाँ नहीं जाना है। देखिए हमारे होंठ लगातार चल रहे हैं, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लोगों की भीड़ को तो देख के ऐसा लगता है दोस्तों यहाँ कोरोना है ही नहीं। हम दिखाते हैं आपको, दुकान एकदम भरी पड़ी है। ये अंकल मास्क पहने तने क्या कर रहे हैं आप, कोई हमारी नहीं सुन रहा है। हमारा शहर होता पटना, सब हमारी सुन रहे होते। बहुत सारे देखो ये भी अंकल आ रहे हैं बिना मास्क पहना हुए, लगता है पूरा हिंदुस्तान यहाँ से कंप्यूटर खरीदने आता है, इतने लोग हैं यहाँ पर। देखिए तो दोस्तों तनिक ये जगह से देखिए, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे नाव है वो टाइटैनिक वाला। दोस्तों देखिए ना, ये बिल्कुल जैक और रोज के जहाज की तरह दिख रहा है। देखिए देखिए देखिए, टाना 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 टाना। अरे भाई साहब कंप्यूटर मिल जाएगा क्या गेम का? नहीं। हाँ हाँ मिल जाएगा, आ जाओ। अरे वाह वाह बहुत अच्छा, हमारा काम लगता है यहीं बन जाएगा। चलिए नमस्कार, कैसे हैं? बस बढ़िया, आप सुनाओ। हम बहुत अच्छे हैं, हमारा नाम राम बिहारी है, हम पटना बिहार से आए हैं। हमारे दो बेटे हैं ललवा और पिलवा, उनको गेम खेलने के लिए कंप्यूटर चाहिए, तो हम आपके पास आए बहुत दूर से, प्लीज हमें कोई कंप्यूटर दे दीजिए। कंप्यूटर तो दे देंगे, क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए? क्या होना चाहिए जो सस्ता मंदा टिकाऊ हो हमारे सरकार की तरह? सरकार है। अच्छा तो ये देखिए आइटम्स हैं। जी ये मदरबोर्ड है, सीपीयू है, तनिक दिखाइए तो सही कहा है। ये प्रोसेसर होता है। किसका ससुर है? म्यूजिक प्रोसेसर है ससुर। सर का करता का है ये? उसके अंदर मदरबोर्ड के डलता है जो आपका स्पीड देता है, तेज चलता है, कैसा है? तेज चलता है, देखे तो ये चल कहा नहीं रहा है, ऐसे चल कैसे चलेगा? ये इसके अंदर डलेगा, पूरा बनेगा तभी पता चलेगा। अच्छा एक तो ये आइटम हो गया, और क्या होता है जरा हमें बताइए? मदरबोर्ड होता है, मदर मैया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, ये मैया मदर, हमारे यहाँ मदर को मैया कहते हैं। तो ये इसके अंदर डलेगा ऐसे, इसमें घुस जाएगा ये? अभी नहीं, अभी खोल के। अच्छा पूरा अच्छा, ये लड़का बनाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ये हार्ड डिस्क होती है, इसमें ये डलती है। अच्छा ये क्या करती है? ये इसके अंदर जो दिमाग होता है हमारा, इसके अंदर स्टोर होता है। हम देख रहे हैं इतना बड़ा ये, और दिमाग इसका छोटा सा, ये बिल्कुल हमारे बेटे ललवा की तरह है, उसका वो बहुत बड़ा है, उसका दिमाग बहुत छोटा सा है। चलिए आए आए मजे आए 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 आए। और क्या होता है इसमें साहब? इसमें माउस होता है। चूहा? हाँ ये चूहा का करता है, ये आप जब स्क्रॉल करते हो कंप्यूटर में जैसे कर्सर चलाते हो उसके लिए होता है। किसका सर चलाते हैं? फिर इसमें कीबोर्ड होता है, का है बोर्ड है।
इसमें आप जो लिखोगे वो कंप्यूटर में आएगा। आ, अच्छा ये हमें पता है, ये हमने देखा है फिल्मों में, बहुत अच्छा लगता है हमें। और इसके अलावा गेम खेलने के लिए ग्राफिक कार्ड होता है। ई कार्ड है? हाँ ई कार्ड है। तो कार्ड अगर वो है तो ई कार्ड है, मैं आपका जीना हराम कर दूंगा। ये कंप्यूटर का कार्ड है साहब, हमें आप पागल बना रहे हैं, कार्ड इसको कहते हैं। ये वीडियो गेम खेलोगे ना आप, ग्राफिक्स अच्छे आएंगे, कोई भी ग्राफिक रिलेटेड काम करोगे इसमें अच्छे ग्राफिक्स आएंगे। नहीं तो कार्ड कंप्यूटर का कार्ड है तो ये हम जेब में कैसे रखेंगे? नहीं ये कंप्यूटर के अंदर ही जाएगा। ये कंप्यूटर का कार्ड है का? ये गेम पैड है गेम खेलने के लिए, इससे गेम खेलते हैं। हाँ जी। तो ये तो टूटा हुआ है साहब, देखिए जरा। ये टूटा नहीं है, ये गाड़ी का गेम पैड है, गाड़ी आगे पीछे दाएं बाएं करोगे इससे होगी। तो गाड़ी तो उससे चलती है ना, गोला से? कंप्यूटर की गाड़ी इससे चलती है। कैसी बात है करना, आप हमें जरूर पागल बना रहे हैं। नहीं नहीं, आप जब लड़ाई करोगे आगे पीछे, लड़ाई काहे को करवा रहा है? राम 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 राम, कैसी बात है कंप्यूटर में जब गेम्स खेलते हैं लड़ाई वाली तो इसके थ्रू चलते हैं। ओहो अच्छा, हाँ हाँ हाँ, लड़ाई वाली गेम मज्जू भाई भी खेलते हैं। अच्छा ये कहानी रही इसकी, ठीक है ठीक है। और क्या चीज है इसकी? अब ये रैम होती है। रैम है जिससे स्पीड बढ़ती है। हाँ राम जी, ठीक है इससे स्पीड बढ़ती है, ठीक है। वो कहा इसके साथ में लगता है? इसके साथ लगता है। तो ये लक्ष्मण है का? नहीं नहीं, ये भी रैम ही है ये भी। अच्छा वो एक जैसे लग रहे थे हमें, लगा दोनों भाई राम और लक्ष्मण की जैसे, बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है इसमें, कुछ और भी बचा है का कंप्यूटर में? यार कैबिनेट होती है, डब्बा, डब्बा रहता है सारा सामान। डब्बा हमारे घर में बहुत है, गैया खाना खाती है ना डब्बे में खाती है। इसका डब्बा अलग होता है, वो डब्बा नहीं काम आएगा। ओहो कैसी बातें कर रहे हैं आप, तो उसका तो पैसा लगेगा फिर। हाँ उसका फिर SMPS लगता है उसके साथ, जो पावर देती है इन सबको चला। हमारे घर के पीछे जनरेटर लगा हुआ है, हम उसमें दे देंगे पावर? नहीं नहीं वो फूक जाएगा। जनरेटर से नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। फिर काहे से चलेगा? बिजली से चलेगा। बिजली से? जनरेटर हमारा बहुत जोर बिजली देता है, उसके आगे सप्लाई होगी जो पावर देगी तभी तारों के साथ निकलेगा। अच्छा ठीक है आप हमारे बना दीजिए आप। अच्छा कितने का बनेगा ये? ये बन जाएगा 70,000 का। 70,000 रुपए का? हमें तो 20,000 बताया था किसी ने, आप हमें लूट तो नहीं रहे हैं? नहीं नहीं 20,000 वाला वो दूसरा कंप्यूटर है। हेलो हाँ राम प्यारी सुनो, अरे गैया के दूध में पानी मिलाना शुरू करो। ये तो 20,000 का बता रहे थे पहले और अब 70,000 का बता रहे हैं, दूध में पानी मिलाओ था ना जल्दी से, पैसा चाहिए बहुत सारा। ठीक है साहब आप हमारा बना दीजिए, दो बच्चे हैं, बच्चों के लिए तो ना जाने क्या क्या करना पड़ता है, आपको बताइए आप इसको बना दीजिए बस जल्दी से, एकदम जानदार कंप्यूटर हमें चाहिए एकदम। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जी, आपने हमारे लिए इतना जबरदस्त गेम का ये कंप्यूटर बनाया है। अगली बार जब हम आएंगे तो इससे भी बड़ा कंप्यूटर लेंगे जो हम उठा भी ना पाए। और आपसे हम मिलेंगे अब अपने अगले ब्लॉग में कहीं और जाने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया, अलविदा दोस्तों। राम बिहारी सब पे हाँ भारी, अलविदा बाय।